घर पे ही थे हम लोग, बाहर नहीं निकले जब ये मसला पैदा हुआ है। तो बाहर शोर होना शुरू हो गया कि रैली आ गई, रैली आ गई, लोग घरों को आग लगा रहे हैं। तो जैसे हम लोग घरों को बाहर निकले, उन्होंने पकड़ के सारे घर को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। सामने सब लुट गया, सब जल गया, मुझको मेरी लाश पे मातम की इजाजत दे दो। सारे मजहबी था जेड़े ने हो गए महफूज ने तुहाडे मुल्क च। टीएलपी खादम रिजवीर के सोचा नु एथे दब दियो, नहीं ते ए धरती खूनो खून हो जाएगी। कि हमारी जब इमारतें तोड़ी गई, पाक इबादत गाहें तोड़ी गई, हमारी जब इंजीन मुकद्दस को जलाया गया, तो क्या उस वक्त हमारी तौहीन मसीहत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। नाज़रीन इकराम, आज हम एक हसास और इंतहाई अफसोसनाक मामला पर बात करेंगे जो दो दिन कबल जड़ावाला में पेश आया। पाकिस्तान में ये कोई नया वाकया नहीं है, बल्कि इस तरह के सैकड़ों वाकयात पहले भी हो चुके हैं। जब ये मुल्क बनाया गया था, मंशूर और दस्तूर में ये वाज़े यकीनी बनाया गया था कि इस मुल्क में तमाम अकलियतों को उनके मजहबी हकूक के साथ मुकम्मल तहफ़ दिया जाएगा। याद रहे, इस मुल्क की तामीर और तरक्की में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई भाइयों का भी बहुत बड़ा किरदार और कुर्बानियाँ शामिल हैं। अक्सरियती मुसलमानों में से चंद शिद्दत पसंद गंवार जहल बगैर तहकीक के अकलियती मजहब के लोगों को जुल्म और जबर से शिकार करते हैं। इनमें हिंदू, सिख, आमदी, ईसाई और शिया मकतब फिक्र के मुसलमान लोगों की अक्सरियत है जो इनके हमलों का शिकार होती है। नाज़रीन कराम, बाज़ मकामात पर कुछ लोगों से दानिस्ता या गैर दानिस्ता ऐसी गलतियां सरजद होती हैं जिसकी सज़ा दीगर बेकसूरों को भी मिलती है। इस तरह के लोगों में मुसलमान और गैर मुस्लिम शामिल हैं। अगर ऐसी गलती मुसलमान से हो जाए तो दरगुजर किया जाता है, अगर गैर मुस्लिम से हो तो फिर उसे जान तक भी गंवानी पड़ती है। बाज़ जगह जानबूझकर ज़ाती इख्तलाफात और दुश्मनी के नतीजे में मजहबी आड़ में अकलियत को इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। जैसे सखर में एक वाकया जो मैंने इजाज़ुल हक प्रोफेसर जनरल ज़ियाउल हक की ज़बानी सुना कि तीन जवारी जिन्होंने मस्जिद से मुलक्का कमरे में छुपकर जुआ खेला, जिनमें एक ईसाई था। ईसाई जुआ जीत गया, जब ईसाई दोबारा खेलने पर राजी ना हुआ तो दीगर दो मुसलमान जवारियों ने मस्जिद की दीवार फलांग कर मस्जिद में रखे कुरान पाक फाड़ कर बाहर फेंक कर मस्जिद के लाउड स्पीकर से ही ऐलान कर दिया कि ईसाई ने तुहीन कुरान कर दी है। ईसाई 7 साल जेल में रहा। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि वाकया की असल वजह यह थी। इस तरह के बहुत से वाकयात हैं, जैसे बदामी बाग लाहौर का वाकया जहां वजह तनाज़ा शराब थी, मगर गलत रंग देकर पूरी ईसाई आबादी को जला दिया गया। सरगोधा में भी ऐसा वाकया पेश आया, कोर्ट राधा किशन भट्टे पर काम करने वाले गरीब मजदूर ईसाई मियाँ बीवी को आग लगा दी गई थी। इस तरह के दीगर वाकयात सियालकोट, गोजरा, खानेवाल, फैसलाबाद, दहेड़शाह और अब जड़ावाला में वाकया बहुत ही अफसोसनाक पेश आया है। इस तरह शिया मसलक के एक अंदाजे के मुताबिक 95,000 से ज्यादा कीमती लोग शहीद किए गए, जिनमें उलमाए कराम, जाकिरीन उजाम, शोरा और समाजी और सरकारी अहम उहदों पर काम करने वाले लोग शामिल थे, जिन्हें मजहब की आड़ और मुबहम जवाब यानी तुहीन सहाबा की आड़ में शहीद किया गया। जबकि ईसाई व दीगर अकलियतों को कुरान और तुहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्न में ज़ुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है। इस्लाम और आईन ने पाकिस्तान अकलियत के साथ मुसावी हकूक और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, मगर यहाँ उल्टा ही होता है। अगर पहले वाकया जो तुहीन रिसालत यानी वाकया किरतास और कुरान जलाने वाला वाकया 1400 साल पहले पेश आया पर एक्शन ले लिया जाता तो आज तक लाखों कीमती जानों के साथ साथ माली नुकसान भी ना होते। एक खबर ये भी है कि जड़ावाला में जहां आग लगाई गई और एक ईसाई भाई की हलाकत की भी इतला है, वहां ईसाई आबादी के घरों को माले गनीमत की तरह लूटा भी गया। जो मुसलमान किसी गैर मुस्लिम शहरी को नाहक कत्ल करेगा या उसका माल लूटेगा, अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर देगा। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद हदीस है जो तवातर के साथ सहीह सित्ता में मौजूद है। इससे वाजह हो गया है कि जो जन्नत की खातिर किसी भी गैर मुस्लिम को नाहक कत्ल करेगा वो जन्नत में नहीं जा सकता, यहाँ तक कि जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। हालांकि जन्नत की खुशबू 40 बरस की मुसाफत तक महसूस होगी। दूसरा, जो कोई भी गैर मुस्लिम को लूटेगा उसके लिए भी इस्लामी शरीयत में वाज अहकाम मौजूद है, जो अहले सुन्नत की मोतबर कुतब सहीह मुस्लिम और बुखारी में ये हदीस तवातर के साथ आई है कि किसी भी इंसान और किसी भी मजहब के पैरोकार को नाहक कत्ल करना, उसका माल लूटना, उसकी इज्जत पर हमला करना या उसकी तजलील करना ना सिर्फ हराम है
बल्कि उसके मुर्तकिब शख्स को अलमनाक सजा की वईद सुनाई गई है। कुरान और हदीस से मुतअद्दिद दलाइल सबूत मौजूद हैं। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल का लालच और ईमान दोनों किसी बंदे के दिल में हरगिज जमा नहीं होंगे। मोमिन और मुस्लिम कहते ही उस इंसान को है जो ईमान वाला हो। जिस इंसान के मुतल्लिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि माल का लालची ईमान से महरूम होता है, तो फिर ऐसे इंसान को मोमिन होने का सर्टिफिकेट कौन दे सकता है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वाला मानते ही नहीं है? भला क़यामत के दिन उसकी सिफारिश कैसे करेंगे? क्या आज के लालची मुसलमानों, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम अकलियती निहत्ते लोगों को लूटने वालों को बात समझ में नहीं आती जो अल्लाह के घर मस्जिद से ऐलान करके इश्तहाल दिला रहे हैं? क्या ऐसा करवाने वाले मुल्ला इन आयात और अहदीस से बेखबर हैं? दूसरी इतलात ये भी है कि मसाजिद से ऐलान करने वाले इमाम मस्जिद भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये कैसे मुसलमान हैं जिन लोगों ने इन मुल्लाओं से इस्लाम लिया है? मुहम्मदी कुरानी इस्लाम तो इस तरह के कामों से मना, यहाँ तक ऐसा करने वालों को ना मुसलमान मान रहा है और ना ही वो जन्नत में जा सकेंगे। ये उन्हीं लोगों की औलादे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल की आल के साथ ऐसा किया। फिर के बाद जिस चीज़ का सबसे ज्यादा हुक्म कुरान में मौजूद है वो मुनाफिकीन के मुतल्लिक है। हमें बताया जाए कि कुरान की कौन सी ऐसी सूरा है जिसमें इन मुनाफिकीन का जिक्र नहीं हुआ? अगर दीन इन मुनाफिकीन से लेना है तो फिर जड़ा वाला वाकया की तरह हज़ारों वाकयात होते रहेंगे। अगर दीन कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलाद रसूल से लेना है तो फिर यहाँ कूड़ा फेंकने वाली की तीमारदारी होगी। भाई के कातिल को शरबत पिलाया जाएगा, दुश्मन इस्लाम को अपने किरदार से इस्लाम में दाखिल किया जाएगा और उनकी हिदायत के लिए अल्लाह से दुआ की जाएगी, ना के सर कलम करके उनकी इज्जतों से खेला जाएगा। नाज़रीन कराम, ना उनके बड़े सदके दिल से ईमान लाए थे और ना ये शरपसंद मुल्ला उनके चेले लकीर के फकीर मुसलमान हैं जो बगैर तस्दीक के आबादियों की आबादियां उलट देते हैं। अफसोस, अल्लाह के घर से शरपसंदी और जुल्म की दावत दी जाती है। मस्जिद से तो अखुवत, अमन, भाईचारे व तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम जारी होना चाहिए, मगर इन बनू उमैया के हवारियों के यहाँ वही है जैसा 1400 साल पहले उनके बड़ों ने किया। 30-40 साल के अंदर ही इक्तदार के पुजारियों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को बेदर्दी से कत्ल करके रख दिया। शुक्र है जनाब सदर पाकिस्तान ने फितना कानून, जिसे नामू से सहाबा बिल कहते हैं, पास नहीं किया, वगरना एक दफ़ा फिर अहले तशय्यों के साथ साथ अकलियतों के लिए जड़ा वाला जैसे वाकयात मामूल बनना शुरू हो जाते। हजरत बरेरा भी सहाबी थे जो जंग खैबर में दुश्मनान इस्लाम यानी यहूदियों के जरिए कत्ल हुए थे, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस बरेरा जहन्नम में गया, हालांकि मुसलमानों की तरफ से लड़ते हुए मारा गया था। इस बदबख्त के मुतल्लिक क्या कहेंगे जिसने एक मुसलमान सहाबी को कत्ल करके उसी वक्त इद्दत के बगैर उसकी बीवी से ब्याह कर लिया था? कुरान की रोशनी में पहले सहाबा की तफरी को तौज़ी करें कि सहाबा हैं कौन कौन, क्योंकि जड़ा वाला के हमला आवरों के नज़दीक तो माविया और यजीद भी सहाबी और बैस एहतराम है। बाप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 700 सहाबा इकराम का कातिल है, बेटा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी औलाद का कातिल है। ये है इन लोगों के अकल का मियार, जब तक मुनाफिक और सहाबी की तफरीक ना होगी तब तक सहाबा एक्ट को पास नहीं किया जाना चाहिए। इन लोगों के नज़दीक वो भी सहाबी है जिसने 30 साल मस्जिद के मिंबरों से नफ्स रसूल और औलाद रसूल को गाली निकलवाई, जिसके मुतल्लिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी हदीस सहाय सिता में मौजूद है कि आय अली, हक आपके साथ है और आप हक के साथ हैं, कुरान आपके साथ है, जंग खंदक में आपकी एक ज़रबत कायनात की इबादत से अफजल है। इससे ये भी वाजे हो गया कि जो भी ऐसा करेगा वो मुसलमान ही नहीं, लिहाजा निहत्ते गैर मुस्लिम ईसाई भाइयों पर हमला करने वाले ना ही वो मुसलमान है और ना ही वो इस्लाम के मुतल्लिक कुछ जानते हैं। लिहाजा इस तरह के लोग मुसलमानियत से भी निकल चुके हैं, बल्कि कुरान की सूरा मैदा आयत नंबर 32 में है कि जिस किसी शख्स को बगैर कसास के या जमीन में फसाद फैलाने की सजा के बगैर ना हक कत्ल कर दिया गया तो गोया उसने मुआशरे के तमाम लोगों को कत्ल कर डाला। लिहाजा हमने आयात कुरानियों अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये वाजे जान लिया है कि इस्लाम दीन अमन है और ये मुआशरे में रहने वाले तमाम अफराद को, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी मजहब और रंग और नस्ल से हो, जान और माल और इज्जत और आबरू के तहफ्फुज की जमानत अता करता है। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। नाज़रीन कराम, गैर मुस्लिम अकलियतों की इज्जत और जान और माल की हिफाजत करना मुसलमानों पर बिलअमूम और इस्लामी रियासत पर बिलखसूस फ़र्ज़ है।
इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिम शहरियों को भी वही हकूक हासिल हैं जो मुसलमानों को हासिल हैं। उन हकूक में से पहला हक जो इस्लामी हकूमत और इस्लामी मुआशरा की तरफ से उन्हें हासिल है वो हक हिफाजत है, जो उन्हें हर किस्म के खारजी और दाखिली जुल्म और ज्यादती के खिलाफ मुयस्सर होगा ताकि वो मुकम्मल तौर पर अमन और सुकून की जिंदगी बसर कर सकें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौका पर यही तो फरमाया था कि अगर किसी से कोई गलती सरजद होती है तो इस्लाम और कानून दोनों इजाजत देते हैं कि मुजरिम से तशवीश मुकम्मल आजाद जराए से हासिल करके मुजरिम को रियासती कानून मुताबिक सजा दी जाए ताकि इस तरह के वाकयात को कंट्रोल किया जा सके। मगर अफसोस, रियासती अथॉरिटी की बजाय चंद जहल और मुतशद्दिद किस्म के लोग कानून को हाथ में लेकर इंतकामी कार्रवाइयां करते हैं जो सरासर आईन पाकिस्तान और इस्लामी तालीमात के बरखिलाफ हैं। ये एक हकीकी इस्लामी पैगाम था जिसका पहुँचाना मुझ पर लाजिम और आप पर सुनना वाजिब था। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की दीगर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। खुदा हाफिज़।